गाइस वेलकम बैक टू टुडेस व्लॉग। अभी पहुंच चुके हैं मुंबई। सुबह इतनी जोर से नींद पकड़ी एयरक्राफ्ट में, मैं सो गया गंदा वाला, और अभी डायरेक्ट यहां पहुंच चुके हैं। शाम को यहां पे जाना है हमको स्टूडियो का नाम मैं भूल चुका हूं, लेकिन बहुत ही इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्टूडियो है वो, और वहां से होगा लाइव मैच टेलीकास्ट। तो आज देखेंगे पूरी विश्व में कहीं पे भी मैच होता है उसकी जो कॉमेंट्री होती है, उसका जो ब्रॉडकास्ट होता है, जो PCR होता है, जो डायरेक्टर बैठता है कि भैया अब इसका शॉट लेना है, उसका शॉट लेना है। ग्राउंड पे 20 कैमरे होते हैं, लेकिन वो 20 के 20 कैमरे, शॉट कौन सा जाना है, डायरेक्टर क्या करता है, यहाँ से डायरेक्ट होता है। अभी हम लोग आ चुके हैं लीला में। सामने ये दिख रहा है, ये अपना एयरपोर्ट है और ये अपना होटल है। ये है हमारा छोटा सा स्वीट, इसका रूम टूर ऑलमोस्ट दे दिया आपको मैंने। 7 बजे मैच स्टार्ट है, 6 बजे से लाइव कवरेज स्टार्ट है, और हमें थोड़ा बहुत शूट करना, तो हमको 4:30 तो वहाँ पहुँचना है। अभी ऑलरेडी 2 बज चुके हैं, रेडी अभी निकल रहे स्टूडियो की ओर। स्टूडियो का नाम है उर्मी। मुझे पता लगा किसी लड़की के अंदर देखने जा रहे हो। From 2016 T20 World Cup सब टीम्स ने किया है। हांगकांग, आयरलैंड, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान। आज हम आए हैं स्टार स्पोर्ट्स के स्टूडियो। आज है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 No. 2। 6 बजे से क्रिकेट लाइव शुरू होने वाला है, और ये साल है क्रिकेट का महाकुंभ, क्योंकि वर्ल्ड कप हो रहा है हिंदुस्तान में, और इस साल बस सबकी आंखें वही है कि भैया वर्ल्ड कप दोबारा उठाना है 2011 के बाद। हर्षित मेरे साथ है, स्टार स्पोर्ट्स के स्टूडियो में है। बहुत लोगों को लगता है कि जहां पे मैच हो रहा है ग्राउंड में वहीं से सब कुछ होता है, वहां से सिर्फ इंग्लिश की फीड होती है, हमारा राइट? यस, करेक्ट। एंड इन फैक्ट यू नो मोर than 50% of the overall feed, which is Hindi, Tamil, Telugu, Kannada, all of that originates from this particular building. तो यहाँ पे जो हिंदी वाली कमेंट्री होती है, अभी गौतम गंभीर आए हुए, मोहम्मद कैफ आए हुए, संजय बांगर आए हुए, जो आप देखते हैं पिच एक बनी हुई है, सब कुछ यहाँ से होता है। मैच अभी लखनऊ में है, उसके बाद मोटेरा में है, लेकिन सब कुछ जाता यहाँ से, कमेंट्री यहाँ से होती है। तो आज पूरा टूर देंगे हमको, वही फीड जो है कैमरा से 3 जगह आती है, उसको रीजनल के हिसाब से। सो डिपेंडिंग ऑन द बैंडविड्थ दैट वी हैव फ्रॉम द स्टेडियम, वी गेट मल्टीपल कैमरास हियर, एंड डिपेंडिंग ऑन व्हिच फीड नीड्स व्हाट काइंड ऑफ अ वीडियो वी कट। सो अ स्टार स्पोर्ट्स तमिल मे हैव फोकस ऑन यू नो धोनी CSK गेम, द कन्नड़ा फीड मे हैव फोकस ऑन विराट कोहली, इफ इट्स एन आरसीबी गेम समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। पूरे जहाज वाले बटन है, थ्रॉटल भी है, मतलब सर इसमें टेक ऑफ पर जाते हैं ऐसे करके पूरे। जैसे एयरक्राफ्ट में भी होते हैं वी एड पावर एंड देन वी टेक ऑफ, सोर्स डिसॉल्व में लेने के लिए। अच्छा, चेंज क्रॉस डिसॉल्व करते हैं, ट्रांजिशन लगाते हैं। अच्छा, ये रियल टाइम में करते हैं? रियल टाइम। ओह अच्छा अच्छा, तो एडिटिंग होती है रियल टाइम में यहाँ से, हम लोग ऐसे ट्रांजिशन लगाते हैं वीडियो में, तो यहीं से डाल देते हैं। सुदर्शन कह रहे थे इतने बटन से यहाँ पे सबका कोई ना कोई महत्व है, कुछ फंक्शन होता है। मैं कहता तो जहाज में नहीं होता, जहाज में भी कुछ दिखाने के लिए होते हैं खाली, सबका फंक्शन नहीं होता। जहाँ पर जहाज से ज्यादा रहते हो? हाँ, ज्यादा। जहाज में दिखते डरावने हैं सर, ऊपर नीचे होते हैं ना, बट मोस्टली इन केस ऑफ इमरजेंसी होनी, नॉर्मल ऑपरेशन है तो छूना नहीं होता। ये जब जैसे अभी जब ग्राउंड पे जाएंगे तो यहाँ से सेटिंग बिठा सकते हैं पहले कि हमारा शॉट आए टीवी पे? वो नहीं। ये कौन सा रूम है? साउंड। दिस इज वेयर ऑल द ऑडियो मिक्सिंग हैपेंस। दिस कंसोल इट्स नोन एज लावो, एंड फॉर अ लाइव यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड 5.1। हां जी हां जी हां जी। बट फॉर स्पोर्ट्स नाउ वी हैव आल्सो बिगन प्रोड्यूसिंग इन एटमॉस। सो दिस कंसोल इट्स वेरी रेयर इन द कंट्री। इसमें कोविड हुआ था, हां जी, तो मैच दुबई में हुआ था। करेक्ट। वो लेकिन आप टीवी में देखो लगता है अरे भैया क्या मैच हो रहा है, लेकिन जो कैमरा घूमता था जनता थी नहीं, तो वो भी साउंड इन साइड होती थी। तो आपको मजेदार बात बताओ, वो साउंड वो मैं देता था। पहले हम कंफ्यूज रहे, बाद में चमका अच्छा नहीं तो साउंड डालते हैं। जब रियल मैच होता है, जब ऑडियंस होती है, तो एक मिक्सर आता है या फिर वो कैसा रहता है? रियल मैचेस में इट्स द रियल साउंड्स फ्रॉम द ग्राउंड दैट यू हियर। उन्हें मिक्स ऐसे करते हैं कि नहीं, उससे ही एनर्जी आती है देखने में, वो मजा आता है उससे ही। और 3 aspects फ्रॉम हियर, वन इज कमेंट्री, सेकंड इज एम्बियंस, थर्ड आर स्पेशल इफेक्ट्स। अच्छा, यहाँ से साउंड जाती है, जैसे वो जो भी आपको स्टेडियम में हल्ला हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। चलो, ये है हमारा मेन स्टूडियो, वो बेस्ट स्टूडियोज इन द कंट्री, एंड इन फैक्ट वन ऑफ द बेस्ट स्टूडियोज इन द वर्ल्ड फॉर स्पोर्ट्स प्रोडक्ट। Nice. जब वर्ल्ड कप चलेगा अपना, तभी भी यहाँ से जाएगी फीड। फुल सर, अर्चित यही है, सब यहीं से जाएगा। वर्ल्ड कप का सब कुछ चस्का लगा हुआ है, क्योंकि 2011 में हुआ था वर्ल्ड कप जो हमने उठाया था। ये जो फील्ड में भी लगता है, ये कैसे चलता है? मेरे को बड़ा इंटरेस्ट है जानने में। तो ग्राउंड में स्पाइडर कैम होता है, यहाँ पे हम इन्हें बोलते हैं काइट कैम। काइट कैम, इट्स अ सिमिलर फॉर्म ऑफ यू नो जो मैकेनिज्म है, आप ये देख सकते हैं, ये रोप्स लगे हैं, विंचेस। तो ये जैसे कोई बंदा जैसे ड्रोन उड़ाता है कुछ, वैसे ही इसका रिमोट कंट्रोल होता है, कैसे? अरे ये मेरे को बड़ा मन है जानने में।
ये ऑपरेटर्स का डगआउट है। अरे चला दिया सर, ये देखो ये इन्होंने काइट कैम। सर सारे मूवमेंट्स आप कंट्रोल कर रहे हैं कि अलग अलग हो रहा है, कैसे हो रहा है? ये कैमरा चला रहे हैं। अच्छा आप कैमरा चला रहे हैं और आप क्या चला रहे हैं सर? बाकी मैं ये रोप का पूरा उरा चलाते हैं। अच्छा आप रोप चला रहे हैं और आप कैमरा चला रहे हैं, तो आप दोनों के बीच का जुगलबंदी बहुत जरूरी है ना। ये भी है। तो सर ऐसे आप लोग हमेशा साथ में काम करते हैं कि जैसे आपका नेक्स्ट ऐसे बैटिंग होती है, बोलते हैं भैया सचिन सहवाग ओपनिंग कर रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग है, तो आपसे अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की भी होती है ऐसे ही? सेम अंडरस्टैंडिंग जरूरी है मतलब। डू यू वांट टू ट्राई दिस? अरे बिल्कुल सर, मैं क्रिकेट नहीं खेल पाई ये तो कर ही सकते हैं। लाइए सर, बहुत मन था जिंदगी में क्रिकेटर बनने का, लेकिन आज फील्ड में करवा दो एक दिन। बी वेरी जेंटल ऑन इट फ्रॉम द स्टार्ट। हां गॉट इट। अरे सर ड्रोन जैसा ही है, ड्रोन जैसा ही है। तो भैया आज शाम को इंडिया न्यूजीलैंड का मैच है T20, और अपने लिए डू ऑर डाई है। 6 बजे क्रिकेट लाइव जा रहे हैं इसी स्टूडियो से, और आज कैमरा चलाएगा तुम्हारा भाई। सर चला लो आज ना। ठीक है भैया, 6 बजे मिलते हैं लाइव, लगे रहो। हाथियों का वर्ल्ड कप होगा, देखो बड़ी बॉल है। हमारे कान पे होते हैं जम्बो सर्कल, उसमें हाथी से खिलाते थे ना, वो ये वाला वर्ल्ड कप। तो ये कहते हैं वो हिंदी फीड है, ये इंग्लिश फीड है। सर नोट्स बना के दे देना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। अच्छे नोट्स बना दीजिएगा इसके, और तमिल की अलग है, रीजनल की अलग है, उसके भी स्टूडियो अलग है। यहीं पे है सब बॉम्बे। कैन रिप्लेस दिस ग्रीन स्क्रीन एरिया टू मेक इट लुक लाइक वी आर स्टैंडिंग एट व्हाटएवर काइंड ऑफ सेट वी बिल्ड हियर। जस्ट इमेजिन कि ये ग्रीन को हम कुछ भी बना सकते हैं। वी कैन टेलीपोर्ट पीपल, से मैं अगर वहाँ खड़ा हूँ, इट कैन बी एडिलेड, इट कैन बी लंडन। आपको करोल बाग से आना था, तो कल की फैडम कैंसिल हो जाए, हमको यहीं से भेज देना। अरे तू कहीं से आएगी सामान लेके। किया है कि यहाँ पे दो हमारे एक्सपर्ट्स हैं और दो लोग यूके में, 140 की स्पीड में ये इसको 100 कर देता है, तो आपको धीरे दिखती है और आप फिर आराम से खेल सकते हैं। संजोत नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी है भैया स्टार स्पोर्ट्स पे। कैन वन ऑफ यू गो इनसाइड एंड सडनली विल अपीयर ऑन द स्क्रीन? नहीं, यहाँ पे जाके पूरा रूम क्रिएट हो गया। उसको कुछ भी बना सकते हैं, यू कैन मेक इट एनीथिंग। हां हां हां, तब देख रहे हो। होना चाहिए हर छात्र के घर पे, जब वो कॉलेज बंक मारता है तो उसके रिकॉर्ड करके दिखा रहे, मां आपको आज मैं कॉलेज गया था। मेरे लिए तो बहुत जरूरी है, मैं पूरा पिछले सेमेस्टर बंक हो गया। सर मुझे लग रहा है रावण की लंका मायावी लंका। कह रहा था कि मायावी था रावण, मायावी था। आई थिंक उसने भी ग्रीन स्क्रीन कुछ मायावी पूरा ऐसा लगा रखा होगा। अच्छा लग रहा है कि टेक्नोलॉजी कितनी आगे आ गई, और घर बैठे आपको ये पता नहीं चलता क्योंकि आप दिखाते नहीं ना, लोग घर बैठे शूट कैसे कर रहे हैं। पहले के जमाने का क्रिकेट ब्रॉडकास्ट और अब कितना चेंज हो गया, लाइक 90s का, जब हम जैसे मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया था 96 वर्ल्ड कप के आसपास क्रिकेट फॉलो करना शुरू किया था, तो तब तो इतने कैमराज भी नहीं होते थे, कैमराज नहीं होते थे, क्वालिटी भी वैसी नहीं होती थी, पहले स्टैंडर्ड डेफिनेशन में हम देखते थे। इसके पहले जो दो जगह गए थे, हिंदी स्टूडियो इंग्लिश स्टूडियो, ग्रीन स्क्रीन वाला था, वो नेक्स्ट लेवल चीज थी, उसका तो नाम ही मैं पता नहीं क्या है। यहाँ पे होती सारी एडिटिंग, सारा प्रीमियर का काम यहाँ पे होता है, भयंकर एडिटिंग होती है यहाँ पे, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। तो ये अभी लखनऊ से आ रही है लाइव फीड, अभी प्रैक्टिस चली ग्राउंड पे, मेन काम होता है यहाँ जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो ये सर जो कर रहे हैं, तो अभी जो प्रैक्टिस चल रही थी, प्रैक्टिस की जो कुछ क्लिप्स आती है ना मैच के टॉस के आसपास आती है, तो यहाँ पहले से अपना काम करके रखे, हमारी तरह नहीं कि लास्ट मोमेंट में ढूंढेंगे, पहले नंबरिंग करके ढंग से रख लो। और फिर जैसे किसी की 50 हो गई, जैसे कोहली की 50 हो गई, तो कोहली ने हमारे 3 छक्के और 4 चौके, तो वो ये पहले से बना के रख लेते हैं, फिर जब दिखाना होता है 50 हो गई ना, तो यहाँ से ही रिप्ले होता है और यहाँ से फीड भेजी जाती है। ये वाला आ गया अपना, ये हॉकी है, ये जो वर्चुअल ग्राउंड है, जैसे छक्का गया कितनी हाइट से गया, या बैट्समैन ने लेग साइड में कितने मारे, ऑफ में कितने मारे, छक्का 100 मीटर था नहीं था, या स्टंपिंग हुई तो कितने पॉइंट, 0.8 सेकंड रिएक्शन टाइम था, वो सब यहाँ से होता है। ये यहाँ पे एनालिटिक्स टीम है, बड़ा पाव खा के एनालाइज कर रही है। तो मेरा सर से सवाल एक सिंपल सा है, भैया इंजीनियरिंग करनी है या मैनेजमेंट करना, तो MBA BTech होना चाहिए। जो एनालाइज करते हैं क्रिकेट को, इनका क्या प्री रिक्विजिट है, क्या सीखते हैं लोग? मैंने बैचलर्स और मास्टर्स इन फॉरेन ट्रेड किया है, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है, जस्ट इंटरेस्ट। इनमें से पूछ सकते हैं उन्होंने क्या किया, लाइक कैसे? For my viewers want to know if they want to become a cricket analyst, like what you do here, what they should do in school? Should they study hard or play hard or don't study or what? Watch cricket and play cricket. Watch cricket and play cricket? Yeah. So you heard it. Cricket, I think you fit well, Gaurav. I play cricket. Do you have future in this? I can do it. Sir, when I play, can I also send you my number so that you can make game? We have a very important question for you. India wants to know. You want exactly how much he scores? हाँ, वो स्कूप मारता है, आगे जाके मारता है 360. विकेट के पीछे, विकेट के आगे कितना रन्स मारता है? Against pace alone, like close to 35-40% comes just fine, like just scoops and pickup shots. Scoops and pickup. Against pace, no one in the world scores as often. You will find like, and best thing about Surya is he doesn't do just that. If someone does just that, they'll be found out very easily. So you are basically sitting throughout the match and you are sorting the clips. Yeah, the clips, the ball tracking data. Everything is sorting out.
डू यू नो एट द एंड ऑफ द मैच कि दिस इज द वीडियो व्हिच आई हैव टू मेक टुडे और वो इंस्ट्रक्शंस टाइम टू टाइम आते रहते हैं वी लव टू बी क्रिएटिव अलोंग द वे एज़ द गेम्स हैपन सचिन व्हाट इज योर स्टोरी विद क्रिकेट लाइक हाउ आपको क्रिकेट का पैशन था आप खेलते थे इस फील्ड में कैसे आया नाउ आई हैवंट प्लेड क्रिकेट बट नाउ आई जस्ट लव क्रिकेट सो मच आई वांटेड टू कम इन और कितने साल से कर रहे हैं आप ये हाउ मेनी इयर्स ओके आई स्टार्टेड 1.5 इयर्स बैक जब घर पे होते हैं तो एक बॉल मिस नहीं करते अभी स्टार स्पोर्ट्स के स्टूडियो में बैठे ये नहीं पता कि इंडिया बैटिंग के लिए की बॉलिंग पता ही नहीं क्या कर रही भाई A few moments later. अभी जा रहे हैं लाइव मैच चल रहा है लाइव कमेंट्री जहाँ से होती है आउट हो गया क्या आउट हो गया विकेट गिरा विकेट गिरा तो यहाँ से अभी चल रही है लाइव कमेंट्री और इसके बगल में यहाँ जो रूम है यहाँ से जो डेटा स्टैटिस्टिक्स है वो वहाँ जाता है मुझे तभी लगता था कि यार इन लोगों को इतना स्टैटिस्टिक्स याद कैसे रहता है स्क्रीन पे भी आ रहा है अभी अभी यहाँ से डेटा गया कि ईशान किशन ने इसी ग्राउंड पे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपना हाईएस्ट स्कोर किया था इसी ग्राउंड पे आप पता करें सर ये तो एग्जाम में होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 ये आंसर दिखना है 98 रन पे 8 विकेट और चल रहा है अभी आखिरी ओवर 3 बॉलें बची हैं हम लोग जब ऐसा खेलते हैं ना तो सर हमें टेंशन रहती है कि भैया ये तो हमारी बैटिंग में रन क्या बनाएंगे थोड़ा तो खेलने दो इनको थोड़ी सी स्लो बॉल डाल दो 16 गेंदों पे 16 रन ओहो हो तो मैच मैं कह रहा था 14 ओवर में खत्म हो जाएगा मेरी प्रेडिक्शन थी जब शुभमन गिल बैटिंग करने आया था शुरू में वो भी जा रहे हैं हम लोग पीसीआर जहाँ से लाइव मैच ब्रॉडकास्ट होता है अभी टेंशन सबसे ज्यादा मैक्स है प्रो मैच तो वहाँ जाके डायरेक्टर के बगल में बैठेंगे और देखेंगे ऐसे हाई टेंशन सिचुएशन में डायरेक्टर कैसे अपनी नर्व काम रखते हैं स्टूडियो में सन्नाटा सा हो गया क्योंकि डू और डाई मैच है यहाँ अगर इंडिया हार गई तो खत्म की अगर एक और डॉट बॉल यहाँ पर हो जाए कितना दबाव होगा इन दोनों ही बल्लेबाजों पे जीत गए सुबह के 1:13 आ चुके हैं अपने रूम भूख तो अभी लगी नहीं हम डिसाइड नहीं कर पाते भूख लगी कि नहीं एक कप चाय बनाई है चाय पी के सो जाएंगे और कल सुबह दिल्ली वापस अपना ख्याल रखें आपसे मिलेंगे हम दिल्ली से रात के 2:30 हम सुबह के 2:30 हम सोने जा रहे थे फिर दोनों ने डिसाइड किया नहीं खाली पेट सोएंगे तो गंदे सपने आएंगे खा के सोते हैं